और वो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बीती रात यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यात्री जब दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन में S5 बोगी गायब थी। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने 4 महीने पहले ही टिकट बुक करवाया था, जिसके बाद यात्रियों ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ऐसा बवाल काटा कि ट्रेन को रवाना करने के लिए रेलवे के आला अफसरों और SP तक को पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद ट्रेन 3 घंटे की देरी से एर्नाकुलम के लिए रवाना हुई। बाद में आला अधिकारियों ने रेलवे की गलती मानते हुए कुछ यात्रियों को जनरल डिब्बे में शिफ्ट करवाया। हालांकि कुछ यात्रियों को तो मायूस होकर वापस तक लौटना पड़ा। 4 महीने पहले रिजर्वेशन करवाया था जिस बोगी में, वो बोगी ही नदारद थी, वो बोगी ही गायब थी। तो उसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा, दुरंतो रोक दिया यात्रियों ने। उसके बाद रेलवे के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, रेलवे की गलती को माना है। उसके बाद कई यात्रियों को दूसरे डिब्बों में शिफ्ट करवाया गया है, लेकिन बहुत से यात्री मायूस होकर वापस लौटे। तो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का यह हाल, रेलवे की बदइंतजामी का खामियाजा दूसरे यात्रियों ने भी भुगता, उन यात्रियों ने भी जिन्होंने अपने टिकट बुक करवाए थे, और उन यात्रियों ने भी जिनको समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचना था। अभी और मेरा बच्चा और मेरा आंगी जाना है, आंगी को हिंदी आती नहीं है, बच्चा को सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी हमने कितना 1 मंथ का पहले टिकट बुक करके रखा है, अभी बता रहे कोच नहीं है, 3 दिन इसका अंदर बैठना है, बच्चा का कैसे संभाल करेगा। टिकट बुक करवाया था कौन से कोच में, बर्थ मिला था हुआ है, कन्फर्म भी हुआ है, उसके बाद भी अभी आके बता रहे इंडियन रेलवे का अंदर कोच नहीं है, कोई नहीं, S5 का डिब्बा ही नहीं है, पूरा कोच ही नहीं है, S4 के बाद सीधा S6 है और S5 की कोई व्यवस्था ही नहीं है। 9:35 का ये टाइम है और देखिए हम लोग स्टेशन पर आए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब यहाँ पर आए अधिकारी लोग कब आ रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर ट्रैक पर आए हैं, अभी 1.5 घंटा कोई नहीं आया, केवल पुलिस हटाने के लिए आई है। कितने देर कोई नहीं आया, 2 घंटे से 2 घंटे ऊपर हो गया, 9:30 राइट टाइम है, 9:30 और एक बार 9:15 से गाड़ी आई है, उसके बाद 25 हम लोग यहाँ पर। ट्रेन का नाम है दुरंतो एक्सप्रेस, निजामुद्दीन एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस, यहाँ से 9:35 में खुलती है। हम लोग यहाँ 9 बजे आ गए थे, इनफैक्ट पहले भी उससे पहले आ गए थे। आने के बाद जब ट्रेन आई तो पता चला कि इसमें S5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कोच S5 है ही नहीं। फिर उसकी जगह इन लोगों ने टेम्प्रोरी जनरल डब्बे को S5 एज ए कन्वर्ट करके वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग इसको यूज़ कीजिए, जनरल डब्बे को एज ए S5 जो भी है आपको इसी में जाना होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा डब्बा नहीं है, मैं विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब कि पूरा रेलवे इतना बड़ा एंड दे डोंट हैव इवन अ सिंगल कोच के रिप्लेस कर सके। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शाहनवाज खान का। शाहनवाज, इस पूरे मामले में यात्री मुश्किल में भरे नजर आए, वो यात्री भी जिन्होंने टिकट्स करवाए थे और वो यात्री भी जो इस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और सही टाइम पर पहुंचने की कोशिश में जुड़े हुए थे, किस तरीके से इनकी मुश्किल का हल निकला है, क्या सभी यात्री उस ट्रेन से जा सके? देखिए, जिस तरीके से ट्रेन नंबर 12284 है निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जाती है, इनके 4 महीने पहले सभी यात्री टिकट कटाए थे और जब ये 9 बजे सारे पैसेंजर वहाँ पर S5 कोच जो है लगा ही नहीं था जी। इस बात को लेकर काफी हंगामा किया गया, इंजन के सामने सारे पब्लिक आए, उसके सीनियर DCM रेलवे के बड़े अधिकारी आए, जब हम लोग कैमरे से भागना चाहे मगर फिर भी उन्होंने बोला कुछ कि मैं इन लोगों को कोशिश करूँ। जो सीट जो जनरल डिब्बा है 1299 उसमें जो है जनरल डिब्बा बैठने के लिए, जिस डिब्बे में बैठने के लिए वहां पर पर्ची लगा दिया गया S5 के पैसेंजर को, किसी तरीके से लोगों को जाना था, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर जिस तरीके से कुछ पैसेंजर अभी तक नहीं गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत से पैसेंजर्स को मायूस होकर स्टेशन से वापस खाली हाथ लौटा। Yeah, yeah, yeah.